हरियाणा H9PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। खरगोदा बिजली निगम के फरमाना स्थित कार्यालय के स्टोर से चोर तार व अन्य सामान चोरी कर ले गए। स्टाफ के सुबह कार्यालय में पहुंचने पर जब मेन गेट का ताला टूटा हुआ मिला तो जांच करने पर स्टाफ को चोरी का पता चला, जिसके बाद निगम की जेई की शिकायत पर पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फरमाना स्थित बिजली निगम कार्यालय के प्रभारी जय सुरेश का कहना है कि सोमवार की सुबह जब वह कार्यालय पर पहुंचा तो पाया कि मेन गेट का ताला टूटा हुआ है। जिसके बाद वह अंदर पहुंचा तो पाया कि दोनों स्टोरों के दरवाजे पर लगे ताले भी टूटे हुए हैं। अंदर जाकर जांच करने पर पता चला कि चोरों ने स्टोर में रखी तार व स्क्रैप का रखा सामान चोरी किया है। मामले की शिकायत फरमाना चौकी पुलिस को दी गई है, जिस पर पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा दिवस समारोह में रंगारंग कार्यक्रमों की धूम। खरगोदा में सापला रोड पर स्थित एबीकर पब्लिक स्कूल में आयोजित हरियाणा दिवस समारोह में रंगारंग कार्यक्रमों की धूम रही। इस कार्यक्रम में नन्हे मुन्हे बच्चों ने विभिन्न वेशभूषाओं में प्रस्तुतियां दी। हरियाणवी नृत्य में बच्चों ने उत्साहपूर्ण भाग लिया व अपनी शानदार प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विद्यालय के निदेशक श्री मोहनलाल गुप्ता जी एवं प्रबंधन समिति ने विद्यार्थियों, शिक्षकगण और कर्मचारियों सहित समस्त प्रदेशवासियों को हरियाणा दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश भले ही क्षेत्रफल में छोटा है, लेकिन उपलब्धियों और विकास के मामले में बहुत बड़ा है। हरियाणा एक प्राचीन नाम है जिसका अभिप्राय देवता से है। हरि अर्थात भगवान, याणा अर्थात अवतरित होना। इससे स्पष्ट है कि धन्य है यह भूमि जहाँ पर भगवान का निवास है। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक सहित अन्य शिक्षक और कर्मचारी गण भी उपस्थित रहे। पंचायत चुनाव आरक्षण। हरियाणा का एक गांव ऐसा जहां कोई भी चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं होगा इस गांव में चुनाव, बाद में सरकार लेगी फैसला। यमुनानगर के इस गांव में नहीं होगा सरपंच का चुनाव, वजह जान चौक जाएंगे आप। दरअसल इस बार गांव में सरपंच पद की सीट BCA वर्ग के लिए आरक्षित की गई है, लेकिन गांव में एक भी BCA का परिवार नहीं है। इसके चलते गांव में सरपंच का पद फिलहाल खाली रह जाएगा। इसे लेकर गांववासियों में भारी रोष है। पंचायत चुनाव के पहले चरण के पंच सरपंच के चुनाव 2 नवम्बर को होने हैं। इसी बीच यमुनानगर के गाँव गुंदियानी से एक मामला सामने आ रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि गांव गुंदियानी में सरपंच के चुनाव के लिए वोटिंग नहीं हो पाएगी। दरअसल इस बार गांव में सरपंच पद की सीट BCA वर्ग के लिए आरक्षित की गई है, लेकिन गांव में एक भी BCA का परिवार नहीं है। इसके चलते गांव में सरपंच का पद फिलहाल खाली रह जाएगा। इसे लेकर गाँववासियों में भी भारी रोष है। ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों पर ड्रा निकालने के दौरान लापरवाही करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में BCA वर्ग का एक भी वोट नहीं है, इसके बावजूद लापरवाह अधिकारियों ने गांव को BCA के लिए आरक्षित कर दिया। उन्होंने कहा कि जनगणना सही से नहीं हुई है, इसी के चलते गांव में सरपंच के लिए वोटिंग नहीं हो पाएगी। गांव वालों का कहना है कि करीब 7.5 साल के बाद गांव के लिए सरपंच चुनने का मौका आया था, लेकिन फिर भी उनके गांव को सरपंच नहीं मिल पाएंगे। हालांकि इसे लेकर अधिकारी क्या कदम उठाते हैं यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल ग्रामीणों को केवल पंच का चुनाव कर ही संतोष करना पड़ेगा। हमारा एक ये अपना खेतों का रास्ता है, बागों का, वो पक्का करवाया। और दादा साध पे जो है पूरे पार्क में तेल लगवा दिए। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।